चीन और ताइवान के बीच तनाव पहले ही कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब चीन और रूस ने प्रशांत महासागर में साझा गश्त शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि रूस और चीन का यह कदम अमेरिका को सख्त और सिखा संदेश यहां पर देने की कोशिश करेगा। दुनिया को चौंकाने वाली वॉर ड्रिल, प्रशांत महासागर में चीन रूस का युद्धाभ्यास। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका को चीन रूस की खुली चुनौती। दुनिया के सामने लगातार एक अनजान खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन में पहले ही जंग छिड़ी है। अजरबैजान और आर्मेनिया में 2 साल बाद दोबारा युद्ध का दरवाजा खुल चुका है। ताइवान और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और अब प्रशांत महासागर से रूस और चीन की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि का नया प्रशांत महासागर में रूस और चीन एक ऐसी वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं, जिस वॉर ड्रिल को भले ही शांति के मकसद के लिए बताया जा रहा है, लेकिन जानकार इन तस्वीरों को अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए एक कड़े संदेश के तौर पर देख रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग के कार्यक्रम के लिए रूसी नौसेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवल फोर्स के युद्धपोत प्रशांत महासागर में दूसरी बार साझा गश्त कर रहे हैं। दुनिया के लिए नया मोर्चा किस कदर घातक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि चीन लगातार अपनी तरकश के एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को वॉर ड्रिल का हिस्सा बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में पहली बार चीन का WZ-7 सोरिंग ड्रैगन नाम का अनमैंड एरियल व्हीकल देखा गया है। इस UAV को ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में देखा गया है। इतना ही नहीं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक PLA के 26 एयरक्राफ्ट और 5 युद्धपोत भी ताइवान स्ट्रेट के आसपास देखे गए हैं। ताइवान की तरफ से दावा किया गया है कि इस बार चीन ने अपनी वॉर ड्रिल के दौरान बेहद घातक लड़ाकू विमानों की नुमाइश की। माना जा रहा है कि चीन की वॉर ड्रिल और रूस के साथ प्रशांत महासागर में उसका युद्धाभ्यास एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका का खुफिया तंत्र इस वक्त रूस और चीन के एक एक कदम पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ती जा रही है, साथ ही हथियारों की होड़ भी। दोनों देश एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों देश लगातार नई मिसाइलों वॉरशिप का परीक्षण कर रहे हैं। चीन अमेरिका की बैटल ऑफ वेपन्स से एक बार फिर दुनिया पर युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।
अमेरिका चीन में छिड़ी एक नई जंग। अमेरिका चीन बना रहे विनाशकारी हथियार। समंदर और आकाश में दिखेंगे सुपरसोनिक हथियार। चीन अमेरिका की बैटल ऑफ वेपन। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश में लगे हैं। चीन ताइवान के इर्द गिर्द लगातार युद्धाभ्यास के जरिए दुनिया को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो जब चाहे तब अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इसी दौरान चीन ने समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पहले चीन ने अपनी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये जानकारी मिली है कि ताइवान के पूर्वी इलाके में ये झटके महसूस किए गए हैं। भारी तबाही की भी खबर है। इसके अलावा जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अब ये आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई है। काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लोगों में डर काफी ज्यादा है, मलबा भी देखने को मिल रहा है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है, ब्रिज यहां पर टूट गया है। क्योंकि एक्सपर्ट्स से बताते हैं कि 7.2 तीव्रता का भूकंप यानी कि भारी नुकसान की आशंका बनी रहती है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको ताइवान से दिखा रहे हैं जहां पर ये काफी ज्यादा नुकसान की आशंका बनी हुई है। ये देखिए सड़कों में किस तरीके से क्रैक्स यहां पर आ गए हैं, तो ये काफी तबाही वहां पर देखने को मिली है। और जो ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसके बाद जापान में भी भारी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हफ्ते दर हफ्ते आज तक और पिछड़ता जा रहा है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 20% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.6% मार्केट शेयर है, जबकि 11.9% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।